गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्दी। सो वेलकम बैक टू योर ईवीएस क्लास स्टूडेंट। टुडे डेट इज 1st November 2021 एंड आई एम टीचिंग यू चैप्टर नंबर 15 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। वी हैव Let's do little recapitulation what we have done in the previous video students. So in the previous video we have completed chapter number 14. Okay, in the previous video we have completed chapter number 14 and in today video we will start our new chapter, that is the coastal plains and island. The coastal plains and islands. The coastal plains and islands. Okay, now see. So coastal plain, first of all student, what are the learning objective of this chapter? What the things you will study in this chapter? That is the coastal plains and island and physical features and their importance. So for understanding the coastal plains on the west and east, with the help of a diagram I explained you, so it is easier for you to understand. Okay, now see the diagram. Okay, see the diagram. Okay, see, this is the east. Okay, this is west and this is south. This is south. Okay, so these are west, these are east and this is the south, and these are water bodies. So this is a piece of a land. इसको मैंने previous chapter में पढ़ाते समय भी आपको बताया था, इसको पेंसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंसुला। So पेंसुला means होता है when the land is surrounded by water on three sides. जब land water से surrounded होता है कितने side से? Three side से। जैसे कि इसमें देखो west में क्या है? Arabian Sea है। West में क्या है? Arabian Sea। South में Indian Ocean। South में आपका आ गया Indian Ocean। और ईस्ट में आपका आ गया बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ईस्ट में आपके आ गया बेटा बे ऑफ बंगाल। तो जरा सा रिकैप्चुलेशन लेके चलते हैं। ठीक है, ये जो पोर्शन था आपका, ये आपका कौन वाला पोर्शन था? प्लेट्यूज वाला पोर्शन था। ठीक है, ये आपका प्लेट्यू वाला पोर्शन था और मैंने आपको बताया था इसके दोनों तरफ, ईस्ट के तरफ भी कंटिन्यूअस रेंजेस ऑफ माउंटेन्स है। ठीक है, कंटिन्यूअस रेंजेस ऑफ माउंटेन्स हैं दोनों तरफ। जिसको हमने क्या बोला था, ईस्ट वाले कंटिन्यूअस रेंजेस को हमने बोला था ईस्टर्न घाट। और ये वेस्ट वाले को हमने बोला था वेस्टर्न घाट।
ठीक है, आपको याद आ रहा होगा ये प्लेट्यू है, दिस इज अ प्लेट्यू, उसके दोनों तरफ कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, इज इट क्लियर। सो इस कंटिन्यूस माउंटेन रेंज को हमने ये जो है, अब जो वेस्टर्न की तरफ जो माउंटेन रेंज है इसको हमने बोला वेस्टर्न भाग, इज इट क्लियर। और जो ईस्टर्न है, ईस्टर्न जो ईस्ट की तरफ है माउंटेन रेंज, इनको हमने बोला ईस्टर्न घाट, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्टर्न घाट हो गया। अब आपका कोस्टल प्लेन्स जो है, कोस्टल प्लेन्स मीन्स द एरिया ऑफ द लैंड वेयर द सी वाटर टच द लैंड, जहां पे सी वाटर लैंड को टच करता है वही होते हैं कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स आर व्हाट, वेयर द सी वाटर टच द लैंड, जैसे रिवर, रिवर के भी बैंक होते हैं ना, रिवर के किनारे होते हैं जहां रिवर वाटर लैंड को टच करता है, इसी तरह सी का वाटर जहां पे लैंड को टच कर रहा है उसी पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। और ये ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया है, ये जो है कंटिन्यूस रेंजेस है, और ये जो वेस्टर्न घाट्स है ये कंटिन्यूस रेंज ऑफ माउंटेन है, बिल्कुल यहाँ पे आपको ब्रेक्स नहीं मिलेंगे, कंटिन्यूस है। और जो आपका ईस्टर्न घाट्स है ये कंटिन्यूस रेंज नहीं है इसकी तरह वेस्टर्न की, यहाँ जगह जगह आपको बीच बीच में गैप्स मिल जाएंगे, और इसका रीजन्स है रिवर्स, बिकॉज मैक्सिमम रिवर्स वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो कर रही है और तब वो बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है। तो ये अभी फर्दर हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले अब हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को समझे, और सबसे पहले हम लोग क्या समझे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को समझे और फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को समझे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेस्टर्न। अब ये जो है ये अरेबियन सी का वाटर है, ठीक है, ये अरेबियन सी का वाटर है, ये बे ऑफ बंगाल का वाटर है, और ये इंडियन ओशन भी है, ये चारों तीनों तरफ से पेंसुला क्या होता है, जो थ्री साइडेड से, ऐसा लैंड का टुकड़ा जो थ्री साइडेड से किससे सराउंडेड है, वाटर से सराउंडेड है, ठीक है। अब देखो इधर अरेबियन सी है और इधर घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स, तो आपका जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये सैंडविच की तरह है, जैसे आप लोग सैंडविच खाते हो ना, या कल से कभी कभी होता है दो ब्रेड लिए बीच में जैम लगाए और आराम से उसको खा लिया, अच्छा लगता है ना खाने में, तो समझ लो ये सैंडविच है, ठीक है। इधर से अरेबियन सी है और इधर से वेस्टर्न घाट्स है। अब इसके बीच में जो आपका एक नैरो स्ट्रिप वाला, नैरो स्ट्रिप, ये जो नैरो स्ट्रिप वाला पोर्शन बन रहा है, नैरो स्ट्रिप, दिस इज नोन एज, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे वेस्टर्न, वेस्टर्न कोस्टल, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इधर से अरेबियन सी का वाटर है, इधर से वेस्टर्न घाट्स हैं, और इनके बीच में जो एक नैरो स्ट्रिप बनी, ये जो नैरो स्ट्रिप जो मैं बोल्ड करके दिखा रहा हूं चौक से, ये जो एक नैरो स्ट्रिप बनी, यही आपके क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं ईस्ट की ओर। अब ईस्ट की ओर जब हम चले तो अब इधर हमने क्या लिखा है, बे ऑफ बंगाल, और ये क्या है, ईस्टर्न घाट है, तो ये भी क्या है, सैंडविच की तरह बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में जो जो स्ट्रिप बनी, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रिप बनी, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रिप बनी, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रिप बनी, इसी को हमने क्या बोला, इसको हमने बोला, इसको हमने बोला ईस्टर्न, इसको हमने बोला, इसी को हमने बोला, इसको हमने बोला ईस्टर्न
कोस्टल प्लेन्स, इसको हमने क्या बोला, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, आई होप आपको ये बात बिल्कुल अब दिमाग में समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में जो नैरो स्ट्रिप बनी, नैरो स्ट्रिप, वो है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में सैंडविच की तरह जो ये स्ट्रिप बनी वो आपकी क्या बनी, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब देखो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो आपके वेस्ट वाले जो हैं ये नैरो हैं, वेस्ट वाले क्या हैं, ये नैरो स्ट्रिप है और ये ब्रॉड हैं। जो आपके ईस्टर्न वाले हैं, ये वाले जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो वेस्टर्न वाले कोस्टल प्लेन्स से ज्यादा फैले हुए हैं। वो क्या है, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ज्यादा फैले हुए हैं, उसका रीजन अब सुन लो बेटा, क्योंकि मैक्सिमम रिवर्स वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो कर रही हैं। ठीक है, ये सब रिवर्स है, मैक्सिमम रिवर्स वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो कर रही हैं, तो वेस्ट से, और इसीलिए यहाँ पे जो आपका ईस्टर्न कोस्टल लाइंस हैं यहाँ काफी ब्रेक हैं। ये ब्रेक किसकी वजह से आए, क्योंकि रिवर पहाड़ चढ़ के तो नहीं ना चली जाएगी, तो वाटर के वाटर से वो रास्ता बनता चला गया रिवर के वाटर से, तो इसीलिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में काफी जगह ब्रेक है, क्योंकि ये ब्रेक किसकी वजह से है, दिस ब्रेक इज ड्यू टू द रिवर वाटर। ये ब्रेक जो आए बेटा ये किसकी वजह से आए, ये ब्रेक आए आपके रिवर वाटर की वजह से आए। तो अब जब वेस्ट से रिवर ईस्ट में जा रही है तो ये सब क्या यहाँ फॉर्म कर रही है, ये वाले कोस्टल प्लेन्स क्यों ज्यादा फैले हुए हैं, ये फॉर्म कर रही है डेल्टास। क्या फॉर्म कर रही है, डेल्टास फॉर्म कर रही है। और आपको पता ही है कि डेल्टा क्या होता है, बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है, दैट इज द रीजन आपके कोस्टल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में बहुत ज्यादा राइस होती है। यहाँ क्या बहुत ज्यादा होती है, यहाँ बहुत ज्यादा राइस होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ रिवर्स बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले ये सब क्या फॉर्म कर रही है, डेल्टास फॉर्म कर रही है, क्योंकि आपको मैंने इससे प्रीवियस चैप्टर में बताया था जो भी रिवर्स डेक्कन प्लेट्यू से होते हुए आ रही हैं, सेंट्रल हाईलैंड से आ रही हैं, वेस्ट से ईस्ट आ रही हैं, ये सब क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा और यमुना रिवर में, इनका वाटर मिक्सअप हो जा रहा है, यमुना भी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, तो आप बेसिकली यही जान लो कि इन सब का वाटर किस में मिक्सअप हो जा रहा है, रिवर गंगा में। और तब ये जो डेल्टा फॉर्म कर रही हैं, ये बहुत ही फर्टाइल डेल्टा, ऐसा सुंदरबन डेल्टा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, और ये डेल्टास बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, दैट इज द रीज़न आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में बहुत ज़्यादा राइस प्रोड्यूस होती है। इज इट क्लियर, मैक्सिमम राइस इज प्रोड्यूस इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बिकॉज द रिवर विच आर कमिंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, तो ये सब की सब क्या फॉर्म कर रही हैं, डेल्टास फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो डेल्टा फॉर्म कर रही हैं इसकी वजह से यहाँ का जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, और लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है इसलिए यहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। इज इट क्लियर, सो इसे राइस बाउल ऑफ इंडिया भी बोला गया है आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा ये पोर्शन। ठीक है, अब ये देखो तुम्हारे ये जो स्टार्ट हो रहे हैं कोस्टल प्लेन्स, ये गुजरात से स्टार्ट हो रहे हैं, एक पार्ट इसका गुजरात है, फिर महाराष्ट्र से गोवा केरला, ठीक है, ये सब सब आपका ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक ये जा रहे हैं, तो ये सब पूरा इसका पार्ट है।
ठीक है। तो आप इस डायग्राम के हेल्प से आप जब देख रहे होगे इसको क्या कहते हैं वीडियो को, तो आप भी एक रफ डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब इसे रफ करते हैं। ठीक है, ए कोस्ट इज द लैंड बिसाइड और नियर द सी ऑफ द ओशन इंडिया, द ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन दैट स्ट्रेचेस ऑल अराउंड द इंडियन पेंसुला। ठीक है, पेंसुला मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे अंडरलाइन कर लो, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्टल लाइन, अंडरलाइन दिस इन योर, आई एम राइटिंग दिस एज ए पॉइंट ऑन द बोर्ड, व्हेन यू आर वॉचिंग द वीडियो देन ओपन योर बुक एंड अंडरलाइन इट। The length of the Indian coast line is about 7000 kilometers. Okay, you underline this in your book. This question, many times this question asked in the exam. What is the length of Indian coastal line? So, the length of the Indian coastal line is about 7000 kilometers. और व्हाट इज अ कोस्ट, ये डेफिनेशन भी लिख लो, ए कोस्ट इज ए, व्हाट इज ए कोस्ट, कोस्ट इज द लैंड बिसाइड और near the sea or the ocean। ठीक है, near the sea or the ocean। अब आई होप सबको अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि वेस्ट में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं और जो ईस्ट में है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, और वेस्ट वाले जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो नैरो हैं, और जो आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो क्या ब्रॉड हैं। ठीक है, जो आपके वेस्ट के कोस्टल प्लेन्स हैं वो नैरो हैं, और जो आपके ईस्ट के कोस्टल प्लेन्स हैं वो क्या ब्रॉड हैं, क्योंकि वहाँ रिवर्स क्या फॉर्म कर रही हैं, रिवर्स बिफोर द वाटर ऑफ द रिवर फॉल्स इनटू द सी इनटू अ बे ऑफ बंगाल, दे आर फॉर्मिंग द डेल्टास, एंड दैट इज द रीजन द लैंड इज वेरी वेरी फर्टाइल, एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर ऑल्सो नोन एज द फूड बाउल ऑफ राइस। ओके, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो नोन एज द फूड बाउल ऑफ राइस। नाउ वेस्टर्न, अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, इट इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई बिटवीन द अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट। जो ऑलरेडी मैंने विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम आपको समझा दिया, क्योंकि डायग्राम से चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। ठीक है,
इट इज बिटवीन द अरेबियन सी वेस्टर्न घाट. सो आई एक्सप्लेन यू दिस द हेल्प ऑफ ए डायग्राम. ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट.